तो भाई मैं आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेके। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाया था कि वीडियो में लद्दाख कब जाएं और कैसे जाएं, तो मैं अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। तो उस पर भी सौरभ भाई ने, मेरे भाई सौरभ ने कमेंट मारा था कि भाई मेरा सपना है लद्दाख जाने का, तो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ कि आप बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं लद्दाख के लिए, और कितना किराया लगेगा लद्दाख के लिए, कहाँ बस रुकेगी, कहाँ तक जाएगी, तो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर दोस्तों आप भी पहाड़ों को घूमने के लिए उन दीवाने यात्रियों में से हैं जो दिल्ली से लेह तक के 33 घंटे के लंबे सफ़र को खूबसूरत वादियों के साथ बिताना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हिमाचल रोड परिवहन ने दिल्ली से लेह तक की बस सेवा शुरू कर दी है। हालांकि लेह पहुंचने के लिए अब हवाई यात्रा भी संभव है, पर हम में से कई लोग जिनको रोड के जरिए लेह पहुंचना ज़्यादा पसंद है, और हो भी क्यों ना, बदलते निखरते परिदृश्य से भरा है ये रास्ता। हिमाचल के हरे भरे बगीचों से लेकर लेह की सूखी मरुभूमि तक लेह पहुँचने के रास्ते में नज़ारे हर घंटे बदलते रहते हैं। शहरों से आने वाले यात्रियों को पहाड़ों में अलग ही सुकून मिलता है, तो हमको तो पता है दोस्तों, पर ऐसे भी कई पर्यटक होते हैं जिनके लिए बस लेह की खूबसूरती ही नहीं बल्कि यहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में दिखने वाले नज़ारे देखना इससे भी ज़्यादा पसंद है। इसलिए शायद 33 घंटे का सफ़र करने के लिए वे भी तैयार रहते हैं। दिल्ली से लेह चलने वाली ये बस 1203 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और इस बस का किराया 1364 रुपये है। इस बस का सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है। कई जगहों पर यह हिमाचल परिवहन की बसें आपको 17,000 फीट की ऊंचाई तक लेकर जाएगी। हिमाचल के कई दूरस्थ इलाकों में भी बस की कनेक्टिविटी है, और यहां यात्रा कर रहे हैं लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस बस में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जान लीजिए कि बस एक रात कैलांग में रुकती है, और कैलांग से आपको बस बदलनी पड़ेगी। यह सब यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बस को आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, क्योंकि कैलांग से आगे जाने वाली बस कई बार मौसम पर निर्भर करती है। रोड बंद होने या मौसम खराब होने के कारण बस कैलांग से ही नहीं निकलती है। अगर दोस्तों आपको 30 घंटे का सफ़र ज़्यादा लगता है तो एक बारी में करने की सोच रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप मनाली में कुछ दिन रुक सकते हैं, वहाँ से भी बस पकड़ सकते हैं। मनाली से लेह जाने वाली बस हर दूसरे दिन चलती है। ये 35 सीटर बस मनाली से सुबह 11 बजे निकलती है, और 485 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अगले दिन शाम को आपको लेह पहुँचा देती है। यह बस रात को कैलांग में रुकती है। कैलांग लाहौल स्पीति जिले का हेडक्वार्टर है, और बस यहाँ से सुबह 4 बजे निकलती है। अगर आप इस बस में सफ़र कर रहे हैं तो आपको रात का खाना और सुबह का नाश्ता कैलांग में ही करना होगा। कैलांग में एक कैंपिंग साइट भी बनी हुई है जो कि खास इस बस के यात्रियों के लिए है। इसके बाद आपको रास्ते में पड़ेगा रोहतांगला। रोहतांगला को जाना जाता है यह चलने वाली तेज़ हवाओं के लिए। तेज़ हवा और बुरे मौसम के कारण आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएँ भी होती है। रोहतांगला को हिंदी में जाना जाता है लाशों का ढेर। और अगर दोस्तों आप इस बस में सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में पड़ने वाले शहर जैसे कि मनाली, चंडीगढ़ और कैलांग के बारे में खास ध्यान रखें। आप यहां पर रात भी बिता सकते हैं। इनमें से सबसे सुंदर शहर है पहाड़ों में बसा मनाली। मनाली में बस रुकने पर आप एक दिन यहाँ बिता सकते हैं, और दो दिन बाद आने वाली इसी बस को फिर से पकड़ सकते हैं। मनाली में आपको हरे भरे घास के मैदान भी मिलेंगे, और सर्दियों में आए तो यहाँ से पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। जनजीवन, पशु पक्षी और सुंदर नज़ारे दिल को छू लेने वाली सभी बातें हैं मनाली में। तो इसके बाद आपको पड़ेगा रास्ते में कुल्लू, जो कि पीर पंजाल पहाड़ियों और छोटे और बड़े हिमालय पर्वतों के बीच बसा हुआ है। पूरे साल यहाँ देश के पूरे अनेक ट्रैकर्स आते हैं। यहाँ के पहाड़ आपको हमेशा ही देवदार से घिरे हुए मिलेंगे, और सितंबर के महीने में अगर आप यहाँ आएंगे तो कुल्लू के बागान आपको सेबों से लदे हुए मिलेंगे। इस रास्ते में आगे आने वाली लाहौल घाटी दरचा एक ऐसी जगह है जहाँ कई यात्री इस सफ़र के बीच कैंप करते हैं, और आपको भी रात को तारे देखने का शौक है तो यहाँ रात को ज़रूर कैंपिंग करें। आगे इस रास्ते में आने वाली जगह और भी दूरस्थ पर सुंदर है। सिंधु नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव उपशी,
यह जगह यात्रियों रुकने के लिए खास पसंद करते हैं। इस रास्ते में दूसरी रुकने की जगह है सरचू। मनाली ले हाईवे में यह एक मशहूर जगह है। आपको यात्रियों के कैंप यहाँ हमेशा ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसके बाद कुछ बस के परिचालकों के बारे में जानकारी दूंगा। बस में आपको 3 चालक व 2 परिचालक मिलेंगे। लेह से दिल्ली चलने वाली बस का पहला चालक लेह से केलंग तक सेवाएं देगा, दूसरा केलंग से सुंदरनगर तक, जबकि तीसरा सुंदरनगर से दिल्ली तक सुरक्षित बस पहुंचाएगा। इस रूट में 2 परिचालक सेवाएं देंगे। लेह से चलने वाला परिचालक केलंग तक, जबकि दूसरा केलंग से दिल्ली तक। और दिल्ली से मनाली के बीच अधिकतर समय बस सेवा रहती है। मनाली से लेह के बीच सर्पीली सड़क में कई बार बस खराब हो जाती है, तो HRTC केलंग डिपो में दूसरी बस तैयार रहती है। खराब होने की सूरत में केलंग से दूसरी बस भेजी जाती है। तो दोस्तों, 30 मई 2008 को HRTC ने बस सेवा शुरू कर दी थी। अमूमन इस रूट पर जून या जुलाई में यात्रियों को सुविधा मिलती थी। 1100 किलोमीटर का सफर लोग मात्र 1400 रुपये में किराया देकर कर सकेंगे। यात्रा की अवधि 36 घंटे रहेगी। अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।